जिला बिजनौर के थाना रेहर क्षेत्र अंतर्गत पीलीबान की सैकड़ों एकड़ जमीन पर हुए अवैध कब्जा को कब्जा मुक्त कराने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 10 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल पर चलाई गई जेसीबी और ट्रैक्टर। वहीं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि लगभग 842 फीट तक पानी सिंचाई के लिए भरा जाता है और जैसे तैसे पानी कम होता है तो किसान उस पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। रेहड़ में जो है ये पीली बांध है और सिंचाई के लिए इसका प्रयोजन होता है। इसको जो है वर्तमान में जो है इस वर्ष में जो है 842 फीट तक जो है भरा गया था लेवल के लिए, जिसमें किसानों ने जो है फिर नहर चलने के उपरांत जैसे जैसे पानी नीचे आता गया तो किसानों ने आकर के इसमें गेहूं की फसल और गन्ना वगैरह बोना शुरू कर दिया था, जिसको कुछ दिनों पहले जो है रेवेन्यू स्टाफ और हमारे द्वारा चिन्हित किया गया और आज जो है ये जो खेत है इस पर गेहूं की फसल को जो है नष्ट किया जा रहा है। लगभग कितनी भूमि ये इस खेत का जो रकबा है ये लगभग 10 एकड़ का है और भी आगे जो है चिन्हित करते हुए जो भी फसल जो इस तरह से की जा रही है उसको नष्ट करने का जो है अभियान चलाया जा रहा है।